मुझे सुकून मिलता है ये चीज़ें लोगों को ऐसे परेशान करने में। तो मुझे 500 रुपये फाइन लग गई और गलत हिंदी सिखा दी थी। अरे यार कैसा खाना है, इससे अच्छा तो घर का खाना होता है। हाय माय नेम इज रिया शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन स्टार स्टेशन। हाँ मैंने ऐसा किया था जब मैं कॉलेज में थी, मुझे मिला था एक ग्रीटिंग कार्ड और उस कार्ड में ना मैं प्रे करती थी कि अगर ग्रीटिंग कार्ड कोई थे तो उसमें कुछ लिख के ना दे नाम वगैरह, अगर वो प्लेन हुआ तो पास ऑन कर सकते हैं मैं, आई डोंट डू इट एनी मोर। तब मुझे इतना कुछ नहीं समझता था तो मैंने किया था ऐसे, आई एम गिल्टी अबाउट इट। हाँ एक बार दिवाली का टाइम था और मुझे अर्जेंटली जाना था, ना फ्लाइट टिकट्स थी ना ट्रेन टिकट्स थी, तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग निकल गए थे ट्रेन में। ओ माय गॉड दैट व्हाट अ हॉरर, मतलब वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और एक बार सीएसटी जाने के लिए मुझे बहुत लेट हो गया था तो मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी थी, तो लोकल ट्रेन मैंने टिकट लिया ही नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट थी एंड मुझे सीएसटी पहुंचना था एनी हाउ। आई हैड एन ऑडिशन देयर दैट साइड, तो मुझे सीएसटी से कहीं जाना था और मैं लेट हो गई। और मैं जैसी निकली पता नहीं मेरी शक्ल पे दिख रहा था कि मैं विदाउट टिकट चल रही हूँ और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे 500 रुपये फाइन लग गई। या आई हैव डन दैट। आई वेंट टू जयपुर विद माई पेरेंट्स फॉर अ फैमिली ट्रिप एंड आई स्टिल रिमेंबर हर नेम वॉज मरीन। सो मेरी और उनकी मतलब हमारी, हम लोग एक ही गाड़ी में थे तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो मैंने जानबूझ के उन्हें ऐसे थोड़ी अब्यूज़ कर्स वर्ड सिखा दिए थे और गलत हिंदी सिखा दी थी। वो तो मैं अभी भी करती हूँ, अगर सही भाव में नहीं देते हैं तो फिर वही करना पड़ता है ना, थोड़ा ओवर एक्टिंग करना पड़ता है कि नहीं अच्छा ऐसे करो नहीं चल रहे, फिर मैं निकल भी जाती हूँ और फिर मैं आती हूँ 5-10 मिनट बाद और फिर ट्राई करती हूँ कि दे रहे हो क्या, इतने में दे रहे हो या नहीं बोल दो अभी, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ। और फिर जब वो फाइनली नहीं ही मान रहा होता है तो पैसे देती हूँ और एटीट्यूड देकर निकल जाती हूँ। हाँ मेरा बस चले मैं अभी करूँ, यहाँ पे हमारे मेकअप रूम्स की वहाँ बेल नहीं होती, वरना मेरा बस चले रोज सुबह आऊँ सबकी बेल बजाऊँ और वापस। ये सारी चीज़ें करना मुझे सुकून मिलता है, ये चीज़ें लोगों को ऐसे परेशान करने में। नहीं मेरा एक फ्रेंड है वो ऐसे करता है, उसको हर चीज़ में कैचअप चाहिए होता है, उसको हर चीज़ में कैचअप, मतलब हर चीज़ में कौन कैचअप खाता है यार, मैं नहीं खा सकती, मैगी में भी नहीं खा सकती, इट हैज इट्स ओन एसेंस। सुनो हाँ हमेशा मुंह पे, आई एम समटाइम्स एक्चुअली ऑल द टाइम आई एम नो फिल्टर, तो मैं बोल देती हूँ, बाद में मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था, बट ऐसे मैंने बोला है बहुत बार कि अरे यार कैसा खाना है, इससे अच्छा तो घर का खाना होता है, स्पेशली तब जब आउटडोर शूट्स होते हैं तब घर के खाने की बहुत याद आती है और मैं तो घर का ही खाना पसंद करती हूँ। अभी कल सॉरी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट खाली रोड था और मैं डाउट पे थी, मैंने कहा मैं थोड़ी सी डम तो नहीं लग रही, मैं अकेली खड़ी हूँ, सब जा रहे हैं मैं अकेली खड़ी हूँ वहाँ पे एकदम वो बन के क्या बोलते हैं उसको, हाँ कि नहीं वो बोलते हैं ना अच्छाई की मुहूर्त, या तो फिर फाइनली मैं निकल गई। हाँ अभी पिछली वाली जो मेरी शैम्पू की बॉटल ख़त्म हो गई थी, मैं बोल रही थी चले जा या बुलवा ले ऑनलाइन, बुलवा ले लेकर आ जा दूसरी बॉटल, लेकिन नहीं मुझे इतना आलस भरा है, मुझे फाइनली वो ख़त्म हो गई। फिर मैंने बोला अब लास्ट क्या करे, तो पानी डाला उसमें ऐसे ऐसे शेक किया और यूज़ कर लिया। हाँ हाँ मम्मी लगाती है यहाँ पे भी, मेरी जो हमारी जो दीदी है हमारे हेयर टीम में जो है वो भी कभी लगा देते हैं, कभी अगर तबीयत ख़राब हो गई या लो फील हुआ
मैं खुद को तो नहीं लगाती हूँ बट मम्मी लगाती है। हाँ आजकल तो देते ही नहीं क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, पर बचपन में मिलता था मैं तो, लेकिन शर्माती भी नहीं थी। फिर मम्मी ने बोला कि एकदम ऐसे डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, पैसों के लिए थोड़ी, बट मैं तो वेट करती थी कि मुझे पता था कौन रिलेटिव पैसे देते ही हैं और फिर ही जाते हैं, तो मैं वेट करती थी कि वो कब कब आए और मेरा यहाँ पे गुल्लक भरता जाए।